शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, दिल्ली में नागरिकता कानून के नाम पर हो रही हिंसा ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। कल से लेकर आज तक लगातार तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। आज सुबह से लेकर दिन भर उत्तर पूर्वी दिल्ली में बवाल मचा रहा, हंगामा होता रहा, एक दूसरे पर पथराव किया गया। कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो कई दूसरे इलाकों पर सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा दिखा। दिल्ली से सटे यूपी की सीमा को सील कर दिया गया है। दिल्ली में 4 जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। असामाजिक तत्वों पर ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। लगातार हर आने जाने वाले पर पुलिस वाले चौकन्ना हैं, उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी उपद्रवी, कोई भी गुंडा एक बार फिर से दिल्ली के हालात को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की ओर से कहा गया है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, लोग शांति बनाए रखें, इस बात की अपील भी की गई है। इस सब के मद्देनजर आपको बता दें, आज दोपहर में हमने देखा था किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह की ओर से बड़ी बैठक भी की गई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी थी। दिल्ली के किन किन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, दिल्ली के मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। चांदमार्ग, करावल नगर, मौजपुर, जाफराबाद, ये 4 वो इलाके हैं जहां पर राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें, पहले 144 धारा लगाई गई थी, धारा 144 के बाद ऐसा लगा कि हालात वहां पर नहीं संभलेंगे। इसी वजह से राजधानी दिल्ली के इस मैप के जरिए आप समझिए कि ये वो इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। वहीं फ्लैग मार्च भी लगातार जारी है, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। लगातार कोशिश इस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में किया जाए। दिल्ली में नागरिकता कानून के नाम पर हो रही हिंसा ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल से लेकर आज तक तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम दावे हैं, लेकिन उन दावों की पोल खोलती भी कई तस्वीरें। सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। आगजनी, संग्राम, सन्नाटा, दिल्ली दहली हुई है। कई दिनों से भड़क रही चिंगारी लपटों में तब्दील हो गई। पथराव और फायरिंग के बाद दिल्ली के आसमान में आज सुबह से ही गहरा काला धुआं छाने लगा। इस वक्त हम लोग गोकुलपुरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टायर मार्केट थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। पुलिस कहीं भी मौके पे नजर नहीं आ रही, आप देखिए पुलिस कहीं भी नहीं नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, धारा 144 लगाई गई है। गोकुलपुरी के जिस टायर मार्केट से उठता ये धुआं आप देख रहे हैं, वहां अंदर का हाल देखिए। टायरों के ढेर खाक कर दिए गए, कई दुकानें भी नफरत की इसी आग में भस्म हो गईं, लेकिन आग थमने के बजाय बढ़ती ही गई। जाफराबाद इलाके में सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा टेंस। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी है। एक जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ के आसपास के लोगों के लिए है, वो इस समय ये है कि ये जो आग जिस मार्केट में लगी है, ये स्क्रैप मार्केट है और इसके बाजू में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। कंट्रोल करने की अगर बात करें तो ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि ये आग बहुत जल्द कंट्रोल होगी, लेकिन फिर भी कोशिशें जो हैं इस समय जारी हैं। ये है जाफराबाद का एरिया और जैसे कि आप देख सकते हैं सिचुएशन अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंस है। गोकुलपुरी में जिस टायर मार्केट को आग के हवाले किया गया, वहां फायर ब्रिगेड करीब 2 घंटे बाद पहुंची, तब तक कुछ भी नहीं बचा था। जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। मैं मौजूद हूं गोकुलपुरी इलाके में, जहां पर ये पूरा का पूरा जो पुरानी गाड़ियों का टायर मार्केट है और ये पूरा जो पूरा टायर मार्केट है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 4 फायर टेंडर्स की जा रही है, गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, लगातार उसको बुझाने की जो आग जो है वो बुझाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं जो है वो दिखाई दे रहा होगा। पूरा का पूरा जो एरिया है इस टायर मार्केट का, पूरा इलाके में इसको आग के हवाले कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी गोकुलपुरी के इलाके में स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को बुलाया गया है। हालात कल से ही ऐसे बने थे,
मौजपुर इलाके में बीच सड़क पर एक शख्स के पिस्तौल लहराने और फायरिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली वालों को एहसास हुआ कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। ब्रह्मपुरी और मौजपुर में रात भर पत्थरबाजी होती रही। मैं जाफराबाद से मौजपुर के रास्ते के अंदर हूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहां पे जो है पुलिस कर्मी मौजूद हैं, और उन्हीं के थोड़ा सा पीछे अगर आप देखेंगे, मैं बोलूंगी धर्मेंद्र जी जो मेरे साथ हैं, वो थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से काफ़ी भारी तादाद के अंदर जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के से मुश्किल से 50 मीटर दूर हम यहाँ पर खड़े हैं, वही जगह थी जहाँ पर महिलाएँ आई थी और रात को उन्होंने CA के अगेंस्ट जो है एक दर्शन किया था। इस समय स्थिति आप देख सकते हैं काफी तनावपूर्ण है, एक एक दुकान जो है वो बंद है। उधर भजनपुरा में भी हालात कल से ही बिगड़ गए थे। आज सुबह उपद्रवियों को रोकने के लिए यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस वक्त हम लोग भजनपुरा मेन रोड पे मौजूद हैं और ये आप सामने जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं जिसको लगा करके यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। दरअसल ये दयालपुर वाली रोड है, यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है और यहाँ पर CRP के जवान तैनात हैं। दरअसल यहीं से रात के वक्त में उपद्रवी निकलते थे और बाहर मेन रोड पर आकर के आगजनी की वारदात को अंजाम देकर करके वापस इसी गली में अंदर वो चले जाते थे, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिया गया है और बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ पर CRP के जवान तैनात हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों से लगातार घायलों को लेकर गाड़ियाँ आसपास के अस्पतालों तक पहुँच रही है। हिंसा के आगे हार चुके लोग अपने अपने इलाकों में शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन नफरत के जहर में डूबे उपद्रवी प्यार मोहब्बत की भाषा समझेंगे इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, रोहित मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 130 आम लोगों को चोटें आई हैं, 56 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 10 लोग मारे जा चुके हैं। हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अपने अलग अलग दावे। दिल्ली पुलिस के तमाम दावों के बावजूद हिंसक झड़पें अभी भी जारी हैं। दुर्गापुरी इलाके में उपद्रवियों की भीड़ ने जमकर लूटपाट और आगजनी की है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कई आरोपियों की धरपकड़ की गई। देखिए ग्राउंड जीरो से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की यह रिपोर्ट। मैं दुर्गापुरी चौक इलाके में हूँ, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमकर यहाँ पर आगजनी की गई है। एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ये हालात है यहाँ पर, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ थी और जो उग्र हो गई। यहाँ पर कई मोटरसाइकिल है, उन मोटरसाइकिलों को आग के हवाले फिलहाल यहाँ पर कर दिया गया है। ये दुर्गापुरी चौक की तस्वीरें हैं, और जबकि इधर अगर पीछे देखें तो पीछे से भी जो उपद्रवी हैं वो निकल कर आ रहे हैं। टीयर गैस के सेल यहाँ पर छोड़े गए हैं, और जो आपको बता दूं इलाके में 144 धारा लागू थी, लेकिन बावजूद इसके उपद्रवी इस इलाके में जमकर तोड़फोड़ किए। अब देखिए आप जाकर सामने जो एक्स्ट्रा फोर्स है दिल्ली पुलिस की, वो यहाँ पर बुलाई गई है। इस वक्त मैं दुर्गापुरी इलाके में हूँ और यहाँ पर देखिए तो जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, और दिल्ली पुलिस की टीम है वो उपद्रवियों को दौड़ा रही है। तो ये हालत है यहाँ पर, कुछ दुकानों में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए निकली है, और उपद्रवी भाग रहे हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो जो उपद्रवी है वो भाग रहे हैं, जबकि कुछ उपद्रवी वो अंदर भी दाखिल थे। एक शख्स को इसको देखिए, इसको पकड़ा है पुलिस की टीम ने। ये हालत है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो उपद्रवी है हिंसा के नाम पर जो दुकानें हैं उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो फल है उसको लूटा गया है। ये हालत है, दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर है और इस शख्स को अभी फिलहाल पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस अपने एक जवान को भी खो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में भी है कि हालात को नियंत्रित वो क्यों नहीं कर पाई। फिलहाल दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सख्त है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने ताजा हालात पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कोई न्यूज एजेंसी की तरफ से ये चली थी कि मीटिंग में शायद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि फोर्स में हमको कम मिली है MHA से। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। MHA से हमको कंटिन्यूसली फुल सपोर्ट है, फोर्स भी हमको एडिक्वेट मिली है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक जो लोग कुछ इंसिडेंट्स किए हैं, पुलिस के ऊपर भी पथराव किए हैं, पुलिस ने ज़्यादातर रिस्ट्रेंट ही दिखाया है, लेकिन ये क्लियर मैसेज है कि मिसक्रिएंट्स को कोई बख्शा नहीं जाएगा।
सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमोल्य पटनायक को आप सुन रहे थे, जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। और दिन भर जो कुछ चलता रहा, हालात काबू में क्यों नहीं हुए, आगे क्या कुछ होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ राजधानी दिल्ली के दुर्गापुरी से मौजूद हैं, जबकि कमलजीत संधू मौजूद हैं हमारे साथ MHA। आखिर इस पूरे मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ रहा है, गृह मंत्रालय की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले कमलजीत, आपका यह रुख करते हुए, क्या बड़ी जानकारी निकलकर दिल्ली में हालात काबू में कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी और इतना दिन क्यों लगे हैं। एक बात सामने आ रही है कि शायद उनके पास पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे, लेकिन वो बात भी दूर कर दी है क्योंकि CP दिल्ली ने खुद ही कहा है कि हमारे पास सुरक्षा बल थे। तो उसके बावजूद अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी और आपके पास पर्याप्त मात्रा में नौजवान थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, तो फिर क्यों एक्शन नहीं हो पाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चार दिन लगे हैं, यानी सुलग रही थी दिल्ली, तो क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? आज गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई है, अमित शाह ने खुद चेयर की है और CP दिल्ली उसमें मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल थे, LG थे, और खास तौर पे बात आई है कि किस तरह से संभाला जाए, पीस कमेटी की बात की गई है। दूसरी बात की गई है कि ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, CCTV सर्वेलेंस किया जाएगा, फेशियल रिकग्निशन किया जाएगा, ये सब होगा। लेकिन पहली बात यह है कि नियंत्रण के बाहर क्यों गई स्थिति, अभी भी ये सवाल बनता है, क्योंकि क्या बूट्स नहीं थे इनफ ऑन द ग्राउंड, या फिर और जरूरत पड़ी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और लगाए जाएं। खास तौर पे इस सब पर बड़ी बात यह आती है कि अमूल्य पटनायक क्या कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस, जब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे विजिट चल रहा है, तो सीनियर अफसर क्या कर रहे थे, ये अपने आप में सवाल उठता है और शायद इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। सवालों के जवाब भी आगे आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस को देने ही होंगे, हालांकि उसकी जिम्मेदारी यही है कि पहले वो हालात को काबू में करे, जो राजधानी दिल्ली में पुलिस के तमाम दावों के बावजूद बिगड़ती हुई चली जा रही है। अरविंद, आपकी रिपोर्ट हमने चलाई थी कुछ देर पहले, फिलहाल क्या हालात है, कैसी स्थिति है इस वक्त दुर्गापुरी में? देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि सुबह से 144 धारा लगाई गई है, ऐसा दावा किया गया है, और कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है, ये बात सामने आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड जीरो पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि 144 धारा लागू हुई है दिल्ली की सड़क पर। और अगर आप ये तस्वीर देखें तो किस तरह से ये जो दुकान थी दुर्गापुरी चौक पर, इसमें लूटपाट हुई है, और ये जो पूरी सड़क है मौजपुर को जाती है, और कबीर नगर जो एक इलाका है वहाँ पर जबरदस्त फायरिंग हुई है उपद्रवियों की तरफ से, और उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। तो ये हालात हैं। आप बिल्कुल, अगर ये दावा किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है, लेकिन वो ग्राउंड पर दिखनी भी चाहिए। मीडिया पर्सन पर अटैक किया गया है, उसके अलावा पुलिस फोर्स पर अटैक किया गया है, और तो और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उन पर अब से कुछ देर पहले करावल नगर से ऐसी घटना आई कि कुछ उपद्रवियों ने एसिड अटैक किया है। तो हकीकत यह है कि दावे बहुत से किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है, शुरुआत से जिस तरह से दिल्ली पुलिस फेल हुई थी, जब शनिवार को हिंसा हुई थी मौजपुरी इलाके में, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बुलाई गई, और अब यह जरूर दावा किया जा रहा है कि 144 धारा लागू कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि 144 धारा लागू हो रही है। जो उपद्रवी है जब तक किसी गली में जाते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं और हिंसा करते हैं, पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई पुलिस फोर्स पर गोली चला रहा है, इसी तस्वीरें हमारे पास है भी, तो अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है कि यानी राजधानी दिल्ली की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और खासकर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपने देखा ही किस तरह से ये अभी पुलिस की टीम है जो लोगों को समझा बुझा रही है कि वो अपने घरों से अंदर चले जाएं, 144 धारा लागू है, कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये जाइए जो दुकान है यहाँ पर, अब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है और देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से, देखिए ये पूरा जो मशीन है, जो भी चीजें हैं, पूरी की पूरी ये दुकान लूट ली गई है। और यहीं से कुछ देर पहले जो आपने रिपोर्ट देखी थी कि किस तरीके से जमकर आगजनी हुई थी, तो दिल्ली में उपद्रवी हथियार लेकर सड़कों पर है, 144 धारा जैसी ग्राउंड जीरो पर कोई चीज दिख नहीं रही है कि उसका कोई असर हो। बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस या जो तमाम कंसर्न ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सड़क पर कम से कम पुलिस दिखे। जब सड़क पर पुलिस दिखेगी
तभी उपद्रवियों का मनोबल कम होगा। और दिल्ली में मौजूदा जिस तरह के हालात हैं, उपद्रवियों पर काबू करना, उन पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का जो बड़ा तबका है वो राजधानी में शांति चाहता है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में राजधानी दिल्ली किस तरह से जल रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली जल रही है तो दूसरी ओर सियासत की भट्टी भी धधक रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन हिंसा पर काबू कैसे किया जाएगा इसका कोई ठोस फॉर्मूला अब तक किसी ने भी नहीं सुझाया है। हिंसा कैसे भड़की, क्यों भड़की, ये तो सबको पता है, लेकिन हालात काबू में कैसे आएंगे ये किसी को समझ नहीं आ रहा। केंद्र सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली पुलिस समेत सारे राजनीतिक दल यही अपील कर रहे हैं कि शांति और संयम से काम लें, लेकिन शांति ढूंढे नहीं मिल रही। गोकुलपुरी, मौजपुर, जाफराबाद, हजूरी खास, भजनपुरा समेत ज्यादातर इलाकों में उपद्रवी खुलेआम घूम रहे हैं, पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी कर रहे हैं। दिन रात जाम रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि इस बवाल को रोकें तो कैसे। लेकिन नेताओं को ये जरूर समझ आ रहा है कि इस नाजुक मामले का ठीकरा किस पर फोड़ें। इस समय में कोई इस तरह से खोला करके पत्थरबाजी करा रहा है, आगजनी करा रहा है, एक बड़ी समस्या से जूझ रहे सभी लोग, कोई बात ही नहीं है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, मैं मजम्मत करता हूं उस वायलेंस की, जिसमें एक पुलिस का कांस्टेबल रतन लाल मारा गया। आज दिल्ली में जो वायलेंस हुआ, जो तशद्दुद हुआ, फुरखान नामी एक शख्स की भी मौत हो गई, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। राजधानी के बिगड़े हालात सुधारने का हल निकालने के मकसद से गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए। उम्मीद तो यही थी कि इस बैठक से शांति का कोई बड़ा पैगाम निकलेगा, लेकिन बैठक के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। गृह मंत्रालय व दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार राजधानी में हो रही हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी व हत्याओं से इस प्रकार से बेखबर और अनजान बने हुए हैं, मानो राजधानी में कानून व्यवस्था उपद्रवियों के हाथ में सौंप दी गई हो। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हिंसा के पीड़ितों का हालचाल ले रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने राजघाट जाकर दिल्ली में शांति की कामना की और लोगों से संयम बरतने की अपील की। उसमें सभी पार्टीज के लोग आए थे और सभी पार्टी के लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोग, इस वक्त माहौल ये है कि सब लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को मिलके दिल्ली में शांति बहाल करने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी मुश्किल दिल्ली पुलिस के सामने है। उपद्रवियों की हिंसा में एक जवान खोने के बाद भी उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत में रहते हालात और न बिगड़े, इस अंदेशे के चलते वो फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। एक ये मैसेज मैं आपके थ्रू भी देना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो और कानून व्यवस्था भंग हो और शांति खराब हो। अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा और जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे डिस्पर्स करने के लिए अप्रोप्रिएट फोर्स भी यूज की जाएगी। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर जो हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, उनका अंजाम यहां तक आ पहुंचा। सड़क बंदी से बिफरे लोग धरनों के फैलाव के साथ ही भड़कने लगे। संविधान के नाम पर शुरू हुई लड़ाई ने धार्मिक शक्ल ले ली। अगर पुलिस और सरकार ने हालात पहले संभाले होते तो ये अंजाम कतई नहीं होता। दिल्ली से सुशांत मेहरा, ऐश्वर्या पालीवाल, अरविंद ओझा और रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 1990 और 92 में इस तरह के हालात राजधानी दिल्ली में बने थे और तब के बाद
आज राजधानी दिल्ली धधकती हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है, हालात पर काबू कब और कैसे किया जाएगा। इस पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया दिल्ली पुलिस का सामने क्यों आया है, हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सवाल दिल्ली पुलिस पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, वो भी तब जब दिल्ली पुलिस ने अपने एक जवान को खो दिया जो अपनी ड्यूटी करने तब गए हुए थे जब उनकी तबियत बेहद खराब थी। लेकिन इन सबके बीच क्या अब स्थिति काबू में आ जाएगी, बड़े और कड़े दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली के रहने वाले जो बेहद आम लोग हैं, जो दिल्ली में शांति चाहते हैं, उनको किस तरह का आश्वासन दे रही है सरकार। पहली बड़ी बात यह है कि क्या दिशा निर्देश का इंतजार कर रही थी दिल्ली पुलिस। फिलहाल मीटिंग हुई है, गृह मंत्रालय ने खुद इसकी समीक्षा की है और खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि किसी तरह की भी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और शायद ये पहला कदम ही उठा सकते थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हुई है, जो लोग हैं, जो जितने प्रोटेस्टर्स हैं, जिस तरह से जो वायलेंट हुए हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई हुई है, ये एक संकेत जाना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। क्योंकि शाहीन बाग में जिस तरह से हुआ, और हमें जो जानकार बता रहे हैं कि एक कंप्लेसेंसी तब आई क्योंकि एक दिशा निर्देश ये था कि हाँ, लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो उन्हें होने दीजिए, और शायद इसी वजह से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब दो भड़काऊ ग्रुप एक साथ आए और पथराव शुरू हुआ, पहले ही संकेत आ जाना चाहिए था। तो ये कमांड कंट्रोल का फेलियर है, एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और अब वक्त आ गया है कि एक कठोर कार्रवाई की जाए, और शायद इसी वजह से एक दिशा निर्देश किया गया है कि उन्हें बुक किया जाए, उन्हें केस बनाया जाए, और खास तौर पे एक पीस कमेटी की भी बात की गई है। बहुत शुक्रिया कमलजीत, वक्त की कमी है आपका और अरविंद ओझा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम अपनी गलतियों से दिल्ली पुलिस सीख लेगी, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का राज एक बार फिर से कायम होगा, और जिस तरह के हालात अराजकता के इस वक्त फैले हुए हैं दिल्ली के तमाम इलाकों में, उस पर अंकुश लगाएगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।